जस्ट मनिका सो के उठी है और उसको आंखें भी नहीं खुल रही हैं उसकी। ठंडू लग रही है? चलो बड़ा जल्दी उठो, बहुत लेट हो गया हम लोग। गेट अप अर्ली। और मेरी नैनी तनिष्का हुआ अभी तक सो के नहीं उठी है। तो गाइस अभी जब हम फ्रेश अप होने वाले हैं, कुछ ही देर में गाइस हम निकलने वाले हैं। ये है ना जो इसके अंदर से काम है। गाइस देखिए यहाँ से नज़ारा। अभी हम टूवर्ड्स रोहतांग पास के लिए निकले हैं। मनाली अभी जैसे मैं क्रॉस करके अभी फिर रोहतांग पास के निकल गए। देखिए गाइस इससे ब्यूटीफुल क्या होगा गाइस। अभी स्नो एक्टिविटीज आगे होने वाली है, तो अभी ये सारे लोग अभी यहाँ पे स्नो के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए भी स्नो ड्रेसेस पहन रहे। तो शॉप हम यहाँ से रेंट पे लेके जा रहे हैं। तो गाइस ऐसी शॉप पूरी लाइन से है बिल्कुल यहाँ पे। तो गाइस अभी मम्मी पापा खा रहे हैं आलू पराठा। बाहर बोल दो। हेलो। मम्मी ने ड्रेस लिया है और मैंने भी लिया है, मैं आपको दिखा दूँ। हेलो। गाइस बताना चाहूँगा कि अभी तक 10 मिनट से ऊपर हो गया गाइस हमको टनल के अंदर, और अभी तक हम टनल के अंदर ही हैं। और ये करीब करीब 9 किलोमीटर लंबी अटल रोहतांग की टनल है। और गोइंग ऑन गाइस। Guys, see the view, guys. ये आगे चंद्रा ब्रिज है। बादल रहेगा उतना ज्यादा पिघलेगा। वो ऐसे बादल में इतनी शक्ति है। तो गाइस आपने सुना कि जितनी धूप पड़ती है उतना बर्फ स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है, और बादल पड़ने से पिघलती है बर्फ। ये साथ में चंद्रभागा नदी है। आप देख पा रहे हो सामने, ये जितनी भी सामने से स्नो दिख रही है ये ग्लेशियर्स है। देखिए देखिए इतना बड़ा ग्लेशियर है। देख पा रहे होंगे छोटे छोटे
पानी के झरने गाइस कितने सारे हैं गाइस देखिए, अभी मैं गिन पा रहा हूँ कम से कम 5 या 6 ही यहाँ पे है। हाँ जी गाइस, अभी हम लोग जो चढ़ाई कर रहे हैं गाइस और सबकी बैंड बजी हुई गाइस, और ये जस्ट सामने वाटरफॉल हो रहा है गाइस यहाँ पे, और हमको यहाँ तक जाना है गाइस। का स्टार्ट हो गई है स्नो एक्टिविटीज के साथ, क्या कर रहा बेटा? केशो तो फाइनली पकड़ लिया स्नो, जैसे घर पे लड्डू नहीं बनाते लड्डू मतलब मैं स्नो का लड्डू बना। देखिए गाइस स्केटिंग की एक्टिविटीज भी हो रही है यहाँ पे, ये देखिए अब उसको भी चाहिए ग्लव्स, जब दे रहे थे तो पहनना नहीं है उसने, वो देख गाइस। अभी लखबीर और वनिका ट्यूब राइड के लिए जा रहे हैं, हम लोग की जो चढ़ाई करते करते बैंड बज गई है, और मेरी ज़्यादा इसलिए क्योंकि मैं केशु को भी गोदी लिया हूँ। केशु फुल ऑन बर्फ पे खेल खेल के इसको मज़ा आ रहा है, लेकिन देखिए उसने बिल्कुल सूट वूट नहीं पहना हुआ है और काफ़ी मस्ती कर रही है गाइस, काफ़ी सांस लेने में बीट लेने में प्रॉब्लम हो रही है गाइस क्योंकि काफ़ी एल्टीट्यूड में है। दिखाता हूँ गाइस मैं, सी गाइस, और लोगों का रश देखिए गाइस, देखिए गाइस मैं रश देखिए गाइस, अभी भी लोग आ रहे हैं गाइस, देखिए कार का रश देखिए गाइस पूरा, और खुशी अभी स्नो स्लाइडिंग करने जा रहे हैं, देखिए गाइस साइड 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 मैं और केशु कर रहे हैं स्लाइडिंग। ओ हो केशु, ओ नो गाइस, मैं आपको अपनी कंडीशन दिखा दी है, देखिए गाइस ये कंडीशन मेरी है गाइस। मैंने और मनिका ने मिलके एक स्नोमैन भी बनाया और बहुत क्यूट सा लग रहा है और बहुत प्यारा सा भी लग रहा है ना मनिका? नहीं नहीं और फाइनल टच सब हो गया चलो विल टेक अ सेल्फी। ये है हमारा मोज मिला।
मनिका ने अब अपनी आइडिया लगा के स्नोमैन कुछ अपने स्पेक्स भी पहना दिए हैं। गाइस देखिए कैसे बर्फ की पूरी सहेली बनी हुई है गाइस, और ऊपर से बिल्कुल बर्फ पिघलती हुई नीचे आ रही है। गाइस देखिए यहाँ से व्यू, ऐसा बेहतरीन नजारा गाइस मैंने कभी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ गाइस। हमने लोकेशन देखी है और इस जगह में अभी हमने गोलगप्पे खा रहे थे गाइस। गेस करिए गाइस और इमेजिन करिए, बेहतरीन था गाइस, अच्छा लगा टेस्ट भी। जस्ट अभी लंच करने आए थे गाइस, ये आए हम सुनील ढाबा एंड फास्ट फूड ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स डिनर। तो गाइस काफ़ी बार हमने ये जगह का लोकेशन, काफ़ी बार ये जगह की व्यूज़ भी मैंने कई बार सोशल मीडिया साइड कई जगह मैंने देखे थे गाइस, तो आज मैं उसी लोकेशन में खड़ा हूँ गाइस। और बहुत अच्छा लग रहा है गाइस यहाँ पे पहुँच के गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है गाइस। गाइस मैं बात कर रहा था गाइस अटल टनल के बारे में गाइस, और ये मेरी बेटी मनिका। बोल क्यों डर गई है? केसर हमारा ट्रैम्पोलिंग में खेल रहा है। केशु हाँ चिच्ची कोकची को चिको वो चिको ची आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई सी यू डैडी, आइसक्रीम खा लो आइसक्रीम। जाके लोकल डॉग्स को देखो, स्टेशन जैसे दिख रहा है। तभी मनिका और लखवीर जा रहे हैं द बिगेस्ट जिप लाइन डबल साइड कपल राइड में। कौन पकड़ेगा? पकड़ेगा रखा है ना, नहीं तो भैया बना दे। कैसा था एक्सपीरियंस? हाँ
क्या हो गया? मजा आया? अभी जस्ट हम सोलांग वैली से टुवर्ड्स मनाली के लिए निकले। सोलांग वैली में एक्टिविटी करने के बाद अब जस्ट आप पास करेंगे तो एक आपको जस्ट कॉर्नर में एक टी शॉप मिलेगी और हमने वहाँ पे मैगी खाई है और बहुत ही टेस्टी मैगी थी और चाय भी भैया ने बहुत काफ़ी मज़ेदार बनाई थी। तो मैं बोलूँगा कि जब भी आप इस तरफ आएँ सोलांग वैली तो भैया के यहाँ ज़रूर आएँ। भैया की आपको मैं फ़ोटो ज़रूर दिखाता हूँ। मैं अभी जस्ट हम निकल रहे हैं मनाली की तरफ और कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। अभी हम मॉल रोड पे कल क्योंकि हम नहीं स्पेंड कर पाए थे तो अभी बस हम निकल रहे हैं। केशू बाय कर दो बेटा, बाय बाय बाय, सी यू कर दो, सी यू सब कुछ, सी यू कर दो, सी यू बाय बाय। गाइज अभी जब मैं होटल पहुँचा हूँ गाइज और इसी के साथ गाइज मैं आज का रोहतांग पास का और स्नो एक्टिविटीज़ का पूरा ब्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ गाइज। आशा करता हूँ गाइज आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो गाइज। एंड फिर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि गाइज कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें मेरे चैनल बैक पे क्राउन को एंड भर भर के कमेंट करें गाइज क्योंकि इसी से मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आपके लिए नए नए ब्लॉग्स बना सकूँ गाइज। और स्टे कनेक्टेड गाइज क्योंकि कल हम मनाली में क्योंकि हमने अभी तक माल रोड नहीं घुमाया गाइस तो कल का ब्लॉग इसी से रिलेटेड रहेगा गाइस। सो स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।